प्रीतर दुरितानि पराश्वे यदि भद्रम तन्याश्वे। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्म पदारथ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। इस भारत का बेड़ा जब मझधार जा रहा था तो गुजराती प्रांत टंकारा से एक मल्हा बिया रहा था। ऋषिराज तेज तेरा चहुं ओर छा रहा है, तेरे बताए पथ पर ये संसार आ रहा है। संसार आ रहा है। आप सब पढ़े लिखे हैं, दूसरा जन्म दो तीन चीजों का बताया विद्वानों ने, एक तो ब्राह्मण और दांत का भी दूसरा जन्म होता है। ब्राह्मण भी जब यज्ञोपवीत धारण कर लेता है तो मनुष्य होता है सामान्य, और यज्ञोपवीत धारण करता है तो दूसरा जन्म होता है ब्राह्मण बन जाता है। और एक अंडे से भी दूसरा जन्म बताया है, माँ के गर्भ से अंडा आ जाता है और फिर भी बच्चा मुक्त नहीं हुआ है उस पीड़ा से और फिर बाहर आता है तो उसका दूसरा जन्म होता है। इसी तरह हमारे इस भारत वर्ष का भी दूसरा जन्म है। ये शिवरात्रि अगर नहीं आती तो ये ऐसा कार्यक्रम मनाने का हमें मौका नहीं मिलता। हम पतों ने मुसलमान बनते या ईसाई बनते और दर दर भटकते, लेकिन ये ऋषि दयानंद की कृपा से, परमात्मा की कृपा से वो महान आत्मा आई और हमें सत्य का वाहन करा दिया। और मंदिर में तो बता रहे थे मास्टर जी सब जा रहे, आज भी जा रहे हैं। अरे भोजन भी सबके घरों में बनता है, लेकिन किसी किसी को बात लग जाती है। सबके घर में भोजन बनता है लेकिन वो जैम स्वाट देख रहा है बैठा बैठा, अरे वो ढक्कन कैसे उछल रहा है। और भी विद्यार्थी देखते हैं सबके घरों में भोजन बनता है, लेकिन उसने देख लिया ये क्या शक्ति है। और मंदिर में भी बहुत जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं, 2500 साल से जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं। लेकिन ऋषि दयानंद ही मंदिर में गया था, मूल शंकर से दयानंद हो गया। और भाई मेरा भी जन्मदिन है आज के दिन, मैं भी इस रात्रि को बहुत महत्व देता हूँ। और भाई मेरे जन्म दिवस पर रामानंद जी तो मुझे आशीर्वाद पहले ही दे दिया। हाँ सबको सर न्यारो न्यारो दो तो न्यारो न्यारो दे लियो तो बता, ज्यादा समय नहीं लेता हुआ। दयानंद क्या था, ऋषि दयानंद यहाँ पर आए जब घोर अंधकार विद्या पाखंड, और अनेक प्रकार की कुर्तियां थी। ये भारत भूमि विदेशी शासन से कांप रही थी। जब ऋषि दयानंद आया तो क्या देखा, तो मैं थोड़ा सा ऋषि का परिचय देता चला चलूं। और भाई हमारे दूरदूर से गुरु जी ओम प्रकाश जी भी बैठे हैं, इनका भी सम्मान। तो क्या था उनका परिचय मैं बताऊं आपको, वैसे सब जानते हैं लेकिन कवि ने अपने कविता के माध्यम से परिचय दिया है। ये एक ग्राम देश की करी गया पूरा।
ग्रामों का देश हमारा है, मगर एक ऐसा है ग्राम जो भूमंडल से न्यारा है, उसी ग्राम के द्वारा इस भारत ने लिया उभारा है। नहीं ऐसी दिल्ली ना बम्बई पूना और सितारा है, नहीं ऐसा कलकत्ता ढाका नहीं भोज की धारा है, नहीं हापुर ना नरेठ बरेली शिमला ठाकुर द्वारा है, बीकानेर नहीं गंगानगर नहीं चूरू धुरू खुआरा है, नहीं हापुर नहीं नरेठ बरेली शिमला ठाकुर द्वारा है, नहीं सिकोपत गढ़ी माजरा नांगल और लुहारा है, नहीं किर्थन नहीं लोंग तुंगाना नहीं एलम नहीं सारा है, नहीं धनौंदा चोला खुर्दा नहीं ऐसा बटवारा है, नहीं रोहतक ना सोनीपत गढ़ी बापरोदा छारा है, नहीं ओ चंदी नहीं नरेली नहीं नारी नहीं नारा है, जैसे ग्राम गुजरात प्रांत में मोरवी टंगकारा है, उसी ग्राम में जन्म हुआ देता, लेकिन कवि भाई अपनी मरोड़ दिखाई, अपनी कविता की विशेषता दिखाई है, ये तो कवि की मरोड़ है। सन 1824 में टंकारे आई शिवरात, और रात जगा करने मंदिर में जमा हुई भारी पंचायत, अम्मा शंकर मूल शंकर बेटे को ले गए साथ, सारी रात जगने वालों को दर्शन देंगे भोलेनाथ, लेकिन 10 बजे से पहले पढ़ के सो गई सर्व जमात, और 14 साल का मूल शंकर जोड़े बैठा दोनों हाथ, 14 साल का मूल शंकर जोड़े बैठा दोनों हाथ, 14 साल का मूल शंकर जोड़े बैठा दोनों हाथ। एक घटना वहां पे पिताजी ने बता दिया, बेटा आज शिवजी भगवान दर्शन देंगे, सच्चा शिव मिलेगा, तू जागते रहना, व्रत ठहरा दिया, और व्रत नहीं करना चाहता था, माता भी आज्ञा नहीं दे रही थी, लेकिन पिताजी की जिद्दी के कारण उसको शिव का व्रत, उसको कहा कि शिव का तू उपासक बनेगा, व्रत करेगा तो सच्चा शिवजी तुझे मिल जाएगा। और ये देखा नजारा मंदिर में जाकर, अब मैं आज सच्चे शिव को देखूंगा, सच्चा शिव कैसा है, तो देखता है सब वहां पर भजन गाने वाले कीर्तन करने वाले सो जाते हैं, शिव जी की जो ऊपर जो चढ़ा था चढ़ा उसको खाते हैं, चूहा और बिल्ली आती है, ये सब नजारा देख करके, और मूल शंकर सोचता है जो सच्चा शिव तो कोई और है, छोड़ करके व्रत को तोड़ करके घर पर आ जाता है, और जब घर पर आता है माँ को आवाज लगाता है, और इस व्रत के तोड़ने पर मूल शंकर भी एक नंबर का पाखंडी था, कई जाप करना पड़ा था, मैं ऋषि दयानंद की पूरी जीवनी 3-4 बार पढ़ी है, कई जाप करवाए कि पाप के भागी हो जाओगे, जो तिलकधारी था ना पोप, उन्होंने कहा जी मूल शंकर ने व्रत तोड़ दिया, बहुत भयंकर पाप लगेगा, तो कई जाप करवाए, लेकिन घर पर आता है, घर पर आता है तो अपनी माँ को आवाज लगाता है, और माँ आवाज सुन करके कहती है अपने बेटे को, क्या कहती है, थी रात अंधेरी भाई, ओ थी रात अंधेरी भाई, आकर के Sí।
माते